सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। एंड इस बार आपको प्रो कबड्डी को लेके टॉप 5 अपडेट्स बताने वाला है। जो पांचों के पांचों अपडेट्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले। तो दोस्तों, वीडियो रहा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट की। तो गाइस, सबसे पहला अपडेट ओवरसीज प्लेयर को लेके आया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लगभग एक वीक पहले आप सभी को बता दिया कि यहाँ पे ओवरसीज प्लेयर को लेके अपडेट निकल के आया था कि यहाँ पे 25 तारीख को यहाँ पे जो ओवरसीज प्लेयर है वो यहाँ पे इंडिया आने वाले, वो भी कुछ ईरानियन प्लेयर्स जो यहाँ पे इंडिया में आके अपना जो टीम का प्रैक्टिस कैंप यानी कि ट्रेनिंग कैंप वहाँ पे ज्वाइन कर देने वाले। तो गाइस, वो प्लेयर्स के नाम मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मोहम्मद मलक है, इमाद सिदागत है, मोइन नबी बख्श है एंड अबू जर मेघानी है। तो अभी तक वो पहुंचे कि नहीं उसको तो कोई ऑफिशियल अपडेट निकल के नहीं आया, लेकिन यहाँ पे अगर एज पर शेड्यूल चल रहा है, अगर सही में ओवरसीज प्लेयर इंडिया आ चुके तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी जो प्लेयर्स है, जैसे कि मैंने आपको चारों प्लेयर्स के नाम बता दिए, वो बहुत ही जल्दी अपना प्रैक्टिस कैंप ज्वाइन कर लेंगे और जो ट्रेनिंग कैंप है वो यहाँ पे स्टार्ट कर देने वाले। तो कैसे यहाँ पे ओवरसीज प्लेयर भी अब हमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आ जाने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं दूसरी अपडेट की। तो कैसे यहाँ पे दूसरा अपडेट दबंग दिल्ली को लेके आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दबंग दिल्ली के प्लेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुके, यानी कि टीम को ज्वाइन कर चुके, बहुत ही जल्दी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देने वाले। एंड यहाँ पे कल के दिन दबंग दिल्ली ने अपना एक मतलब कि सोशल हैंडल्स पे वीडियो पोस्ट किया, जहाँ पे दबंग दिल्ली ने बहुत ही जम के मतलब प्रैक्टिस कैंप स्टार्ट कर दिया एंड बहुत ही जम के सभी प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड मतलब कि बहुत ही जल्दी यहाँ पे दबंग दिल्ली की टीम भी बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है एंड जो कॉम्बिनेशन है, जो प्लान से सभी यहाँ पे होने वाला है, डिस्कशन होने वाले। एंड यहाँ पे दबंग दिल्ली की टीम ने भी अपना प्रैक्टिस कैंप स्टार्ट कर दिया है। तो चलो बात करते हैं तीसरी अपडेट की। तो कैसे हमें तीसरा अपडेट पटना पायरेट्स को लेके आया है। अब यहाँ पे दोस्तों, पटना पायरेट्स की टीम ने एक फोटो और शेयर किया, जहाँ पे हमें पटना पायरेट्स के प्लेयर्स अलग ही जर्सी में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, अब ये जर्सी क्या मैच के लिए जर्सी रहने वाली है या फिर ट्रेनिंग जर्सी यानी कि ट्रेनिंग किट है, ये तो मुझे कुछ पता नहीं है। या फिर आपको पता है यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम कई बार ऐसा हुआ कि एक बार व्हाइट जर्सी में खेली है एंड कई बार जो पटना पायरेट्स का नॉर्मल ग्रीन कलर का जर्सी है उस जर्सी में खेली है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम व्हाइट जर्सी में एंड साथ ही जो जर्सी आप देख रहे हैं वो जर्सी में खेल सकते हैं, या फिर जर्सी है वो यहाँ पे ट्रेनिंग किट है, यहाँ पे यानी कि जो ट्रेनिंग करेगी सिर्फ यही जर्सी पहन के करेगी, ये भी हो सकता है। लेकिन इसको लेके कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल के नहीं आया, लेकिन ये नया जर्सी है जो मैंने आपको बता दिया है। तो चलो बात करते चौथे बड़ी अपडेट की। तो गाइस, यहाँ पे दबंग दिल्ली की पूरी टीम यहाँ पे एक फोटो मतलब कि शेयर किया, दबंग दिल्ली की टीम ने नवीन कुमार ने शेयर किया, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दबंग दिल्ली की पूरी टीम एक फोटो में आप देखते हैं, जहाँ पे अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, जोगिंदर नरवाल, नवीन कुमार, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी विजय हो गए, सभी प्लेयर्स यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पे दबंग दिल्ली की टीम में प्रैक्टिस पंचकुला में स्टार्ट कर दी, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया है। यहाँ पे दबंग दिल्ली की पूरी टीम का फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो चलो बात करते हैं पांचवी अपडेट की। तो गाइस, हमें पांचवा अपडेट पुरेडी पलटन को लेके आया है। अब ये जो अपडेट है बहुत ही थोड़ा मतलब कि अजीब है, मैं आपको बता दूं, पुरेडी पलटन के जो एडमिन है यानी कि सोशल हैंडल्स पे जो पोस्ट करते हैं, ट्विटर हैंडल हो गए या फिर इंस्टाग्राम हैंडल हो गए, तो थोड़ी देर पहले इन्होंने एक पोस्ट किया, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे, मैं आपको फोटो शेयर नहीं कर सकता, मैं टेलीग्राम पे फोटो शेयर कर देने वाला हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो में शेयर नहीं करूंगा। अब फोटो में क्या, मैं आपको बता दूं कि ये अनाउंसमेंट है कि पुरेडी पलटन की टीम ने एक अनाउंसमेंट किया कि जो फेयर प्ले न्यूज करके वो यहाँ पे एसोसिएट हो चुके, ऐसे थैंक यू किया है, मतलब कि हैप्पी टू अनाउंस करके ऐसे कुछ मतलब कि अनाउंस किया है, जहाँ पे पुरेडी पलटन के जो भी अनाउंसमेंट हो गए, जो भी अपडेट्स न्यूज आएंगे वो यहाँ पे आपको फेयर प्ले न्यूज के किसी वेबसाइट या फिर किसी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा, ये अनाउंसमेंट था। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी देर बाद चेक किया तो गाइस, जो पोस्ट था वो यहाँ पे ट्विटर हैंडल एंड साथ ही साथ इंस्टाग्राम हैंडल दोनों ही तरफ से डिलीट कर दिए गए थे। अब ये शायद से अनाउंसमेंट कल होगा या फिर परसों होगा या फिर ये गलती से पोस्ट हो गया, ये भी हो सकता है, रीजन हो सकता है। लेकिन ये जो अपडेट मैंने बताया है वो यहाँ पे गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन जो फोटो है वो यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देने वाला, लेकिन ये अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफिशियल से ये जो पोस्ट डिलीट कर दिया गया, जब तक ऑफिशियल नहीं होता है तब तक ये न्यूज़ को हम सच नहीं मान सकते। तो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको टॉप 5 अपडेट्स बता दिया, आपको कौन सा अपडेट सबसे बढ़िया लगे अगर आप कॉमेंट करके जरूर बताया कर, आवाज़ आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो बिकॉज यहाँ पे मुझे थोड़ी सर्दी है एंड लेट्स सी क्या होता है, ऐसे ही चलता है, लेकिन यहाँ पे आप मैनेज कर लीजिएगा। एंड आपको वीडियो कैसे लगे अगर आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा एंड अपने फ्रेंड के वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।